हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे एग्जांपल हम आज देखने जाएंगे आज ये वीडियो में। ओके स्टूडेंट, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं देखिए, आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 to 10 वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक ऑलरेडी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करना क्या है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमें दिए हुए हैं उसमें से हमें आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना है और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो पहले ये आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म क्या है पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो कांस्टेंट टर्म हमें दिखता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, एक तो प्योर कांस्टेंट होता है, प्योर कांस्टेंट मतलब जो हमें नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्योर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और इसके बाद एक हमें दिखता है आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म। आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म क्या होता है हम इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमने जब डेरिवेटिव निकाला था वहाँ पर हमने देखा था कि x और y ये हमारे वेरिएबल है, x और y को छोड़ के जो दूसरे लेटर्स दिखते हैं उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो जो x और y को छोड़ के दूसरे जो भी कांस्टेंट टर्म हमें दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, वो हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू a ई रेस टू 3x प्लस बी ई रेस टू माइनस 3x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास देखिए कितने ये a और b। ठीक है, तो यहाँ पर a और b हमारा क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, y और x हमारा डिफरेंशियल वेरिएबल है और a और b हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, e हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी नहीं, ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ए और बी हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अभी इसमें हमें करना क्या है, अब जैसे अभी आपको एक आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म क्या है उसका मतलब पता चल गया है। ठीक है, तो अभी करना क्या है हमें, ऐसे हम अलग अलग क्वेश्चन में जाएंगे तो हमें सी दिखेगा या फिर दूसरे लेटर से वो लोग इंडिकेट किए रहेंगे। ठीक है, तो ए बी सी है तो वो हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अभी जैसे देखिए यहाँ पर करना क्या, हमें एलिमिनेट करना है क्या, ये कांस्टेंट नंबर, आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर। तो कैसे करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है तो हम इसे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। क्यों, देखिए इसमें जितने भी जो हमारे पास जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हम दिखेंगे उसका हम उतने बार डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हम दिख रहे हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हम दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें ये इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर वो इक्वेशन जितने भी उसमें इक्वेशन है उसके हेल्प से हम ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म है वो एलिमिनेट करेंगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल से हम ट्राई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू ए ई रेस टू 3 प्लस बी इन टू ई रेस टू माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है बाई एलिमिनेटिंग द आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ये आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म है क्या। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म है, ए और बी हमारे पास ये इक्वेशन में दो आर्बिटरी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसका मतलब है क्या करना है, ये इक्वेशन को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। ओके, तो अभी इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसे डेरिवेटिव निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे आपको वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाय डीएक्स मिल जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म है वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, ई रेस टू एक्स, यहाँ पर देखिए कंपोजिट फंक्शन, ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस सेम
बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने चैन रूल अप्लाई किया हुआ है, डेरिवेटिव यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए थ्री ए ई रेस टू थ्री एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा अरेंज कर लिया है। ओके ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर सॉरी इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। थ्री ए कॉन्स्टेंट है, मैं उसे हमने पहले लिख लिया, ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री, चैन रूल अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए ई रेस टू बी सॉरी थ्री, थ्री बी कॉन्स्टेंट है उसे एज इट इज़ लिख लिया, ई रेस टू थ्री एक्स का ई रेस टू थ्री एक्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें माइनस थ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फिर से अरेंज करते हैं। हमें करना क्या है, हमें जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहे हैं उसे एलिमिनेट करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए और ये थ्री थीजा नाइन ए ई रेस टू थ्री एक्स, माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, नाइन बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो नाइन कॉन्स्टेंट टर्म है अगर वो हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए ई रेस टू थ्री एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस थ्री एक्स। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन दिख रहा है हमें, ये जो हमने इक्वेशन नंबर वन जो हमारा क्वेश्चन था वही हमें फिर से मिल गया है। ओके तो अभी हम ये जो टर्म दिख रहा है उसकी जगह पे हम वाई रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसकी जगह पर वाई पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नाइन, इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, नाइन। ओके तो देखिए ये अभी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ये हमारा नाइन वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर हमारा जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म था इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में, तो वो चला गया है, रिमूव हो चुका है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, डेरिवेटिव। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से याद आता है तो यहाँ पर ये टॉपिक को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स। ओके स्टूडेंट, देखो अभी देखिए यहाँ पर हमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सी एक ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव निकालना है और जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म सी है यहाँ पर उसे हम एलिमिनेट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें जनरल इक्वेशन दिया हुआ है हमें, उसे हमने क्या कर दिया है, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। ओके अभी सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय डी एक्स, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। सी यहाँ पर देखिए सी कॉन्स्टेंट है, उसे आप बाहर निकालेंगे, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी होप स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं डेरिवेटिव आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव आपको बहुत ही अच्छे से आता है। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव में कुछ इशू है तो प्लीज़ मैंने डेरिवेटिव के भी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव के सारे एक्सरसाइज आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके तो अभी मुझे सी जो है वो एलिमिनेट करना है, अभी मैं यहाँ पर इसे और डेरिवेटिव नहीं निकालने वाला हूँ,
यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते हैं एज़ पर रूल। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर को यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, ये माइनस का साइन हम यहाँ पर देते हैं, इसका मतलब हमें सी का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। ओके, अभी हम देखिए क्या करना, हमें ये सी अभी तक हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, देखिए अभी हमें सी का जो वैल्यू मिला हुआ है, ये सी का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में सी के जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या करने जा रहे हैं हम, जो सी का वैल्यू दिख रहा है हमें, ये सी का वैल्यू हम इक्वेशन वन में सी के जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर के जगह पर हमने एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और सी अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाय एक्स हमने लिख दिया। ठीक है, अभी देखिए इससे मतलब क्या मिल रहा है हमारा, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस का साइन हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, नहीं तो हमारा मिस्टेक हो जाएगा। ओके, तो अभी मुझे इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर को भी जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रेज टू फोर, एक्स रेज टू फोर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर में से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखिए हमें स्टूडेंट्स क्या मिल गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है। ओके, तो इसके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म था वो भी एलिमिनेट हो गया, और हमें जो टर्म दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम अरेंज करके लिख देते हैं, ये हमारा वाई वहाँ पर चला जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था उसमें हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टर्म रिमूव किया, और उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ, वाई इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसे हमें, इसमें हमें दो ए और बी जो दिख रहा है, ये हमारा दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें, इसका मतलब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब दो बार हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसे हमने इक्वेशन नंबर वन कंसीडर कर लिया, तो अभी यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स एक कांस्टेंट है, उसे हमने डेरिवेटिव के बाहर रखा है। यहाँ पर हमें चैन रूल अप्लाई करना होगा, देखिए ध्यान से, कॉस लॉग एक्स को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, फिर लॉग का डेरिवेटिव निकालेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। सेम यहाँ पर भी देखिए, बी कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है, चैन रूल अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, दोनों टर्म के पास से एक्स हम कॉमन लेंगे और इसे हम डिनोमिनेटर को दे देंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स वन बाय एक्स माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम शिफ्ट करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ओके स्टूडेंट, तो अभी इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर कर लिया, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है, इसे हमें दो बार डेरिवेटिव निकालना है क्योंकि इसमें हमें दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हम दिख रहा है इसीलिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें यू इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यू है, ये हमारा वी है, तो यू इंटू वी का रूल क्या बोलता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, माइनस ए साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, चैन रूल अप्लाई करेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय एक्स। ठीक है, तो इसे हमें अरेंज करना है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक्स ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम माइनस वन बाय एक्स का जो है वो हम कॉमन ले रहे हैं ताकि हमें देखिए इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट मिल जाएगा ए कॉस लॉग एक्स, ये माइनस हमारा बाहर चला गया, प्लस हो जाएगा बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो अभी आप इसको इक्वेशन नंबर वन, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं। ओके, अभी देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब देखेंगे y इज इक्वल्स टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये टर्म हमें फिर से मिल रहा है तो हम इसके जगह पर y रख देंगे, तो ये जो टर्म हमारा दिख रहा है हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे y लिख देंगे। ओके, और ये जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस y बाय x, ये पूरा जो टर्म दिख रहा है हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया y लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी देखिए x यहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस y। ठीक है, माइनस वाई बच गया, यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा हमें, ये हमने इसे इक्वेशन नंबर फोर दे दिया, लेकिन जरूरत नहीं देने की, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है हमें। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए एग्जांपल नंबर फोर देखिए क्या दिया हुआ है, सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी नहीं दिख रहा है, सी वन सी टू करके दिखा है यहाँ पर हमें कन्फ्यूज करने के लिए, तो ये सी वन एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म है, सी टू एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर हमें दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म दिए हुए हैं। ओके, इसका मतलब हमें क्या करना है, दो बार इसे डिफ्रेंशिएट करना है और जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट टर्म है सी वन सी टू एलिमिनेट करेंगे और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके पास भी एक वेरिएबल है, इसके पास भी वेरिएबल है, तो इसे यहाँ पर हम यू इंटू वी कंसिडर करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी क्या है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू इंटू वी का रूल अप्लाई नहीं किया, बट डायरेक्टली हम आंसर लिख रहे हैं, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है ये सी कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन, मतलब सी टू बचेगा। ओके स्टूडेंट,
तो यहाँ पर ऐसे हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, और सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू एक्स इंटू सी टू। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अभी इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, तो अभी जब इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं ये इक्वेशन हमें फिर से मिल गया, तो हम इसके जगह पर y लिख देंगे। देखिए ये टर्म के जगह पर हम y लिख देते हैं, तो हम पहले क्या कैसे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म की जगह पर हमने y लिख दिया, y इज इक्वल टू सॉरी y प्लस ये लिख देंगे ई रेस टू एक्स सी टू। ओके, तो अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप इसे इक्वेशन थ्री लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा हमें, ये dy बाय डी एक्स हो जाएगा प्लस ई रेस टू एक्स, ये एज इट इज ही रहेगा ई रेस टू एक्स सी टू। ठीक है, तो देखिए हमारा c2 एलिमिनेट नहीं हुआ है, हमें दो बार डेरिवेटिव निकालना था, हमने दो बार डेरिवेटिव निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम अरेंज करते हैं क्या c2, देखिए यहाँ पर हम इसे अरेंज करते हैं या फिर इसे अरेंज करिए, आप दोनों में से किसी एक को भी अरेंज कर सकते हैं चलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें देखिए ई रेस टू एक्स सी टू मिल गया, तो अभी जो ई रेस टू एक्स सी टू का जो वैल्यू है ये है, हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो हम इसे हम इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं, तो अभी देखिए इसका जो वैल्यू है दिस, इसका हम इसकी जगह पर रख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y प्लस ये पूरा टर्म लिख देंगे इसकी जगह पर यहाँ पर, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस dy बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, अब तो ये वहाँ पर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो देखिए इसे हम लिख देते हैं ठीक है, तो माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो हमने एलिमिनेट कर दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा This is the required differential equation. Okay, student. Next example देखते हैं। Question देखिए student fifth क्या है? Y is equals to c1 e raised to 3x plus c2 e raised to 2x. देखिए यहाँ पे हमें दो arbitrary constant term दिख रहे हैं, यहाँ पर इसका मतलब है हमें दो बार इसका derivative निकालना है. Okay? तो लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव सीधे ऐसे ही निकालने जाएंगे तो यहाँ पे ये जो C1 और C2 कोई भी एक टर्म या फिर दोनों टर्म डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, तो इसके पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, आप ये इक्वेशन को ई रेस टू 3x से डिवाइड कर लीजिए या फिर ई रेस टू 2x से, तो हम बोथ साइड ई रेस टू 2x से या फिर ई रेस टू 3x से डिवाइड करते हैं, उससे क्या हो जाएगा हमारा c1 या फिर c2 वो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग इसे हम इक्वेशन नंबर वन देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्रू बाय ई रेस टू 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ई रेस टू 2x से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा,
वाई बाई इरेज टू टू एक्स इज इक्वल्स टू सी वन इरेज टू थ्री एक्स बाय इरेज टू टू एक्स और यहाँ पे सी टू इरेज टू टू एक्स बाय इरेज टू टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे। देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, इरेज टू माइनस टू एक्स मिल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सी वन इरेज टू थ्री एक्स बाय इरेज टू टू एक्स। इंडाइसिस रूल जब आप अप्लाई करोगे मतलब इरेज टू एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इरेज टू एक्स और यहाँ पे क्या मिल गया, सी टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे इक्वेशन वन टू दे दिया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दो वेरिएबल है, आपको यहाँ पर यू टू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यू डेरिवेटिव ऑफ वी इरेज टू टू एक्स, टू एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे चैन रूल माइनस टू हो जाएगा। यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या हमारा वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी वन इरेज टू एक्स का डेरिवेटिव सी वन इरेज टू एक्स ही रहेगा और ये सी टू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा अरेंज करने के लिए ट्राई करते हैं, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस टू वाई इरेज टू माइनस टू एक्स प्लस इरेज टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी वन इरेज टू एक्स। ठीक है, तो सेम अभी देखिए यहाँ पर अभी सी वन बचा हुआ है, तो अभी हमें एक बार और डेरिवेटिव करना बाकी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारा जो सी है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था डिवाइड बाई ए टू टू एक्स किया, तो यहाँ पर भी सेम वही करते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा सी वन ज़ीरो हम कर सकते हैं डेरिवेटिव निकाल के। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आप इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इरेज टू एक्स। ठीक है, बोथ दिस साइड हम इरेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस टू वाई इरेज टू माइनस टू एक्स बाय इरेज टू एक्स प्लस इरेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाय डी एक्स बाय इरेज टू एक्स और यहाँ पर सी वन इरेज टू एक्स बाय इरेज टू एक्स। तो इरेज टू एक्स इरेज टू क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पर इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस टू वाई इरेज टू माइनस टू और माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस थ्री एक्स मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडाइसिस रूल अप्लाई किया, जैसे यहाँ पर हमने ये इंडाइसिस रूल अप्लाई किया था वैसे ही यहाँ पर हमने ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ इरेज टू माइनस टू एक्स इरेज टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इरेज टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स, तो इरेज टू माइनस थ्री एक्स आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी सेम इरेज टू माइनस थ्री एक्स डीवाई बाय डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सी वन बच गया है। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर फोर दे दीजिए और इसका जब डेरिवेटिव आप निकालोगे यहाँ पर तो वो क्या हो जाएगा, सी वन एलिमिनेट हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव हमें क्या, ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है, ये माइनस टू आपको कांस्टेंट है, आप उसे बाहर रख सकते हैं, आप इसमें आप यून टू वी का रूल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी हमें यून टू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा और इसे सी का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो ये माइनस टू को हमने बाहर रख लिया है। यू ये यू है, ये वी है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर यहाँ पर चैन रूल अप्लाई करेंगे, माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव माइनस थ्री हो जाएगा प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, तो यहाँ पर यू यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर यू इंटू वी का रूल अप्लाई करते हैं, यू इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, प्लस इरेज टू यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या हमारा दिस इरेज टू माइनस थ्री एक्स इंटू थ्री, माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस थ्री मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी का डेरिवेटिव आ जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो, सी का सी कॉन्स्टेंट हमें उसका डेरिवेटिव हमें ज़ीरो मिल गया।
अभी से हम सिंप्लीफाई करते हैं और अरेंज कर लेते हैं और हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स वाई इरेज टू थ्री एक्स माइनस टू इरेज टू माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स इरेज टू माइनस थ्री सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव माइनस थ्री इरेज टू माइनस थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए ये और ये टर्म सेम है, इसके पास माइनस टू है, इसके पास माइनस थ्री है, तो माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हम इसको पहले लिख देते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव को, माइनस फाइव इरेज टू माइनस थ्री एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, फिर ये टर्म हमने लिख दिया प्लस सिक्स वाई इरेज टू माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, एक स्टेप हम और भी कर सकते हैं, ये जो माइनस इरेज टू जो दिख रहा है हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तीनों के पास है, डिवाइडिंग बाय इरेज टू माइनस थ्री एक्स, यहाँ पे हमने माइनस थ्री एक्स से पूरे टर्म को डिवाइड कर दिया, तो हमारा देखिए आंसर क्या मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरेवेटिव माइनस फाइव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव और ये हमें सिक्स वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए क्या है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी रेज टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक आर्बिटरी कांस्टेंट है c, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक बार इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, तो पहले क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन को इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्यूब रूट बोथ दी साइड किया, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ये वाई स्क्वायर रेज टू वन बाई थ्री मिल जाएगा, और इसका हमने क्यूब रूट किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, सी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्यूब रूट हमने किया बोथ दी साइड, तो ये हमें क्या मिल गया, वाई रेज टू टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, इसे हमने इक्वेशन सेकेंड दे दिया। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, अभी इक्वेशन नंबर वन जो है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव डी टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसे हमने एक्स कंसिडर किया, एक्स रेस टू थ्री का डेरिवेटिव थ्री एक्स प्लस सी रेस टू टू हो जाएगा, इन टू चैन रूल जब अप्लाई करेंगे, मतलब इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, सी का डेरिवेटिव ज़ीरो एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, तो देखिए अभी हमें क्या मिल जाएगा, थ्री को हम डिवाइड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, टू बाई थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो ये टर्म रूट में मिल जाएगा हमें, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, अंडर रूट टू बाई थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया, सॉरी अभी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दिस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई रेज टू टू बाई थ्री है, और यहाँ पे सी एक्स प्लस थ्री सी एक्स प्लस सी क्या दिख रहा है, दिस, तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देखिए हमें क्या मिल जाएगा, दोनों टर्म सेम दिखेंगे यहाँ पर, क्या वाई रेज टू टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू रूट टू बाई थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए हमें एलिमिनेट तो हो चुका है हमारा, जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म था वो हमारा एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अभी देखिए अगर हमने इसका रूट हटाना है तो हम स्क्वायर बोथ दी साइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड
हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमने लिख लिया। देखिए ये इंडाइसिस रूल क्या है, होता है m रेस टू n, m इंटू n होता है, तो यहाँ पे y रेस टू 2/3 का स्क्वायर है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, y रेस टू 2/3 इंटू 2 मतलब y रेस टू 4/3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने y रेस टू 4/3 लिख दिया, इज इक्वल टू 2/3 y dy बाय dx। अभी 1/3 क्या है, क्यूबिक रूट है, तो अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया वैसे हम क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब पावर 3 बोथ साइड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, y रेस टू 4/3 रेस टू 3 2/3 डिवाइड बाय dx रेस टू 3। अभी देखिए यहाँ पर जैसे हमने इंडाइसिस रूल अप्लाई किया y रेस टू 4/3 रेस टू 3, तो यहाँ पे y 4/3 इंटू 3 कैंसिल होकर y रेस टू 4 मिल जाएगा, यहाँ पे y रेस टू 4 मिल गया और ये क्यूब 2/3 को जाएगा, तो ये 8/27 हो जाएगा, y को क्यूब जाएगा, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको भी क्यूब जाएगा, ठीक है, ये y यहाँ पर इसको कैंसिल कर देगा, y3 कैंसिल, तो हमें y इज इक्वल टू 8/27 क्यूब ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, ये 27 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 27y 8 डिवाइड बाई dx रूट 3 पावर 3, 27 यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई dx रेस टू 3 माइनस 27y इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर देखा, तो देखिए यहाँ पर आज हम स्टॉप करते हैं, तो जिसमें देखिए हमने क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो सारे एग्जांपल्स हैं वो हमने कवर किया हुआ, इसमें हमने देखा ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो और इसके जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके अलावा आपको कोई सजेशन है या फिर आपका कुछ इंक्वायरी इशू है तो वो भी आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक या फिर वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।